ओम गणेशाय नमः। प्यारे भक्तगणों, आज के वीडियो में आप सभी श्रवण करेंगे आषाढ़ माह की कृष्ण पक्ष की गणेश संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। हिंदू कैलेंडर के अनुसार आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी मनाई जाती है। कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी के दिन व्रत रखकर विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की पूजा करते हैं। हर माह में एक संकष्टी चतुर्थी का व्रत होता है। उस दिन गणेश जी के साथ चंद्रमा की पूजा का भी विधान है। इसके बिना यह व्रत अधूरा ही रहता है। वैसे भी संकष्टी चतुर्थी के दिन चंद्रोदय काफी देर से होता है। इस वजह से व्रती के चंद्रमा के उदित होने की बहुत प्रतीक्षा होती है। आइए प्यारे भक्तजनों, अब हम जानते हैं कि संकष्टी चतुर्थी व्रत कब है, उस दिन गणेश जी का पूजन का मुहूर्त क्या है, चंद्र अर्ध का समय और चतुर्थी व्रत का महत्व साथ में श्रवण करेंगे कथा। आइए जानते हैं किस दिन है संकष्टी चतुर्थी व्रत। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 25 जून मंगलवार के दिन 1:23 AM से शुरू हो जाएगी। यह तिथि 25 जून को ही रात 11:10 PM पर खत्म होगी। उदया तिथि के आधार पर आषाढ़ की संकष्टी चतुर्थी व्रत 25 जून को रखा जाएगा। संकष्टी चतुर्थी की मुहूर्त। संकष्टी चतुर्थी वाले दिन सुबह से लेकर दोपहर 2:32 तक श्रवण नक्षत्र है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त 4:05 AM से 4:45 AM तक और अभिजीत मुहूर्त 11:56 AM से लेकर दोपहर 12:52 PM तक है। संकष्टी चतुर्थी के दिन चर सामान्य मुहूर्त 8:54 AM से 10:39 AM तक। लाभ उन्नति मुहूर्त 10:39 AM से 12:24 PM तक और अमृत सर्व उत्तम मुहूर्त 12:24 PM से 2:09 PM तक है। संकष्टी चतुर्थी 2024 चंद्र अर्ध समय। 25 जून को जो लोग संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखेंगे वो रात में 10:27 PM के बाद ही चंद्रमा को अर्घ दे सकते हैं। उस रात चंद्रोदय 10:27 PM पर होगा। संकष्टी चतुर्थी का व्रत चंद्र अर्घ के बिना पूरा ही नहीं होगा, क्योंकि गणेश जी से चंद्रदेव को आशीर्वाद मिला है। संकष्टी चतुर्थी व्रत महत्व। संकष्टी चतुर्थी का अर्थ है संकटों का नाश करने वाली चतुर्थी। जो भी सच्चे मन से व्रत रखकर भगवान गणेश की पूजा विधि विधान से करता है, गणेश जी उसके संकटों को दूर करते हैं, जीवन में शुभता प्रदान करते हैं, कार्य में सफलता मिलती है, गणेश जी विघ्नहर्ता है, वे अपने भक्तों को किसी संकट में नहीं छोड़ते हैं। अब आइए श्रवण करते हैं आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की गणेश संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। पार्वती जी ने पूछा कि हे पुत्र, आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी को गणेश जी का पूजा कैसे करनी चाहिए? आषाढ़ मास के गणपति देवता का क्या नाम है? उनके पूजन आदि का क्या विधान है? सो आप मुझसे कहिए। गणेश जी ने कहा, आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी के दिन कृष्ण पिंगल नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए। इसकी कथा निम्न प्रकार से है। हे महाराज, द्वापर युग में महिष्मती नगरी का महिजीत नामक राजा था। वह अपनी प्रजा का पालन पुत्रवत करता था, किंतु संतानहीन होने के कारण उसे राजमहल का वैभव अच्छा नहीं लगता था। वेदों में निसंतान का जीवन व्यर्थ माना गया है। यदि संतान विहीन व्यक्ति अपने पितरों को जल देता है,
तो उसके पितरगण उस जल को गर्म जल के रूप में ग्रहण करते हैं। इसी उहापोह में राजा का बहुत समय व्यतीत हो गया। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत से दान यज्ञ आदि कार्य किए, फिर भी राजा को पुत्र उत्पत्ति न हुई। जवानी ढल गई और बुढ़ापा आ गया, किंतु वंश वृद्धि न हुई। तदंतर राजा ने विद्वान ब्राह्मणों और प्रजाजनों संदर्भ में परामर्श किया। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण तथा प्रजाजनों, हम तो संतानहीन हो गए, अब मेरी क्या गति होगी? मैंने जीवन में तो किंचित भी पाप कर्म नहीं किया है, मैंने कभी अत्याचार द्वारा धन संग्रह नहीं किया, मैंने तो सदैव प्रजा का पुत्रवत पालन किया तथा धर्मचरण द्वारा ही पृथ्वी शासन किया। मैंने चोर डाकुओं को दंडित किया, इष्ट मित्र के भोजन की व्यवस्था की, गौ ब्राह्मणों का हित चिंतन करते हुए शिष्ट पुरुषों का आदर सत्कार किया, फिर भी मुझे अब तक पुत्र ना होने का कारण क्या है? विद्वान ब्राह्मणों ने कहा कि हे महाराज, हम तो वैसा ही प्रयत्न करेंगे जिससे आपके वंश की वृद्धि हो। इस प्रकार कहकर सब लोग युक्ति सोचने लगे। सारी प्रजा राजा के मनोरथ की सिद्धि के लिए ब्राह्मणों के साथ वन में चली गई। वन में उन लोगों को एक श्रेष्ठ मुनि के दर्शन हुए। वे मुनिराज निराहार रहकर तपस्या में लीन थे। ब्रह्मा जी के समान वे आत्मजित, क्रोधजित तथा सनातन पुरुष थे। संपूर्ण वेद विशारद एवं अनेक ब्रह्म ज्ञान संपन्न वे महात्मा थे। उनका निर्मल नाम लोमस ऋषि था। प्रत्येक कल्पांत में उनके एक एक रूम पतित होते थे, इसलिए उनका नाम लोमस ऋषि पड़ गया। ऐसे त्रिकालदर्शी महर्षि लोमस के उन लोगों ने दर्शन किए। सब लोग उन तेजस्वी मुनि के पास गए। उचित अभ्यर्थना एवं नाम आदि के अंतर सभी लोग उनके समक्ष खड़े हो गए। मुनि के दर्शन से सभी लोग प्रसन्न होकर परस्पर कहने लगे कि हम लोग को सौभाग्य से ही ऐसे मुनि के दर्शन हुए। इनके उपदेश से हम सभी का मंगल होगा, ऐसा निश्चय कर उन लोगों ने मुनिराज से कहा, हे ब्रह्म ऋषि, हम लोग के दुख का कारण सुनिए। अपने संदेह के निवारण के लिए हम लोग आपके पास आए हैं। हे भगवान, आप कोई उपाय बतलाइए। महर्षि लोमस ने पूछा, सज्जनों, आप लोग यहाँ किस अभिप्राय से आए हैं? मुझसे आपका क्या प्रयोजन है? अस्पष्ट रूप से कहिए, मैं आपके सभी संदेहों का निवारण करूंगा। प्रजाजनों ने उत्तर दिया, हे मुनिवर, हम महिष्मति नगरी के निवासी हैं। हमारे राजा का नाम महिजीत है। वह राजा ब्राह्मणों का रक्षक, धर्मात्मा, दानवीर, सूरवीर एवं मधुर भाषी है। उस राजा ने हम लोगों का पालन पोषण किया है, परंतु ऐसे राजा को आज तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई। हे भगवान, माता पिता तो केवल जन्मदाता ही होते हैं, किंतु राजा ही वास्तव में पोषक एवं संवर्धक होता है। उसी राजा के निमित्त हम लोग ऐसे गहन वन में आए हैं। हे महर्षि, आप कोई ऐसी युक्ति बतलाए जिससे राजा को संतान की प्राप्ति हो, क्योंकि ऐसे गुणवान राजा को कोई पुत्र ना हो, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। हम लोग परस्पर विचार विमर्श करके इस गंभीर वन में आए हैं। उनके सौभाग्य से ही हम लोगों ने आपका दर्शन किया है। हे मुनिवर, किस व्रत, दान, पूजन आदि अनुष्ठान करने से राजा को पुत्र होगा? आप कृपा करके हम सभी को बतलाए। प्रजाजन की बात सुनकर महर्षि लोमस ने कहा, हे सज्जनों, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनो, मैं संकट नाशन व्रत को बतला रहा हूँ। यह व्रत निसंतान को संतान और निर्धन को धन देता है। आषाढ़ कृष्णा चतुर्थी को एकदंत गजानन नामक गणेश की पूजा करें,
राजा व्रत करके श्रद्धा युक्त हो, ब्राह्मण भोजन करावे और उन्हें वस्त्र दान करे। गणेश जी की कृपा से उन्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। महर्षि लोमश की यह बात सुनकर सभी लोग करवध होकर उठ खड़े हुए, नतमस्तक होकर दंडवत प्रणाम करके सभी लोग नगर में लौट आए। वन में घटित सभी घटनाओं को प्रजाजनों ने राजा से बतलाया। प्रजाजनों की बात सुनकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने श्रद्धा पूर्वक विधिवत गणेश चतुर्थी का व्रत करके ब्राह्मणों को भोजन वस्त्र आदि का दान किया। रानी सुदक्षिणा को भी श्री गणेश जी की कृपा से सुंदर और सुलक्षण पुत्र की प्राप्ति हुई। जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करेंगे वे समस्त सांसारिक सुख के अधिकारी होंगे। प्रेम से बोलिए गणेश महाराज की जय। हे गणेश जी महाराज, आपकी कथा श्रवण करने वाले सभी भक्तों पर अपनी कृपा सदा सर्वदा बनाए रखे, उनकी सभी कष्टों को दूर करे, सभी मनोकामना को पूर्ण करे। प्रेम से बोलिए गणेश महाराज की जय हो।